उतना यू नो योर जय दस की नंबर कैरेक्टर
नंदिता मैम आपसे पूछना चाहूंगा, पहले दिन शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ था किरदार को लेके कपिल सर को, और कपिल सर आपका क्या रिएक्शन था और कैसा रहा पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे? उसके पहले काफी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्ट्रिप पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए हैं। कपिल की सबसे ज्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों है, मतलब सिर्फ एक 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली एक आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। और मैं भी एक्टर, मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों पहली बात है बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है। दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे, यू नो रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूजिक कब टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से बनता है। तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत आई थिंक शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है, तो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कप्तान आपके लिए चैलेंजिंग क्या रहा? सर फ्रेंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, यू नो अपने आप कैरेक्टर में आते हो तो उस एम्बियंस में जाते हो, जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग अपने, मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक एक यू नो वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है जिस शहर से हम 20 साल पहले थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। यू नो कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स हो के जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की, क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीजें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। हाय, दिस इज सोहेल। आपने कहा कि कपिल सर, आपने कहा कि कपिल सर, आपने कहा कि एक चीज का अधूरा सवाल जवाब, पहली रिलीज यानी अभी अच्छी है, पिक्चर बन गई, रेडी है, प्लान था रिलीज करने के लिए तो वो कर रहे हैं। जस्ट ऑन व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कॉमेडी, कॉमेडी एंड मूवी, हम लोग जुगाड़ को ऐसे नहीं देखते हैं कि ये कुछ नीश पिक्चर है या कुछ इंडी या आर्ट हाउस या कुछ, नो इट्स अ वेरी मेनस्ट्रीम पिक्चर, इट्स अ वेरी यू नो हम सब की कहानी है, इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड पिक्चर, सो वी वांटेड इट टू गो टू द थिएटर ताकि ज़्यादा लोग देख सकें एंड ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड, यू नो कि व्हाट दिस इज अबाउट। इट इज नॉट अ सैड पिक्चर, इट्स नॉट अ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, बट इट्स अ न्यू काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी अबाउट ऑल आवर लाइव्स। और हर वो आदमी से रिलेट कर सकेगा, ऐसा ट्रेलर से महसूस होता है, क्या मैसेज देना चाहिए ये सवाल? और आपके लिए जैसे आपने कहा कि आप भूसान में थे, जहाँ लोग आपको जानते नहीं थे, लेकिन आपने देखा आपके वाइफ ने बताया कि देखिए वो रो रहे हैं,
क्रिटिकली कितना इम्पोर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा जाना, वो कितनी उम्मीद है आप जी? सर पहले तो ये कि ये फिल्म की जो कहानी है, जैसे समीर सर ने कहा कि इसमें आपको कहीं हंसी भी आएगी, कहीं आप सीरियस भी हो जाएंगे, कभी आपको उसके साथ एक हमदर्दी भी होगी, सारे रंग हैं जो जिंदगी में होते हैं। और बाकी इसमें मैसेज ये है कि शायद हम सबकी जिंदगी में यू नो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी जिंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना ये भी जिंदगी नहीं है। सो आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए, कुछ चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है सो उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो आप यू नो आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से, कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए, तो ये इस फिल्म में आपको देख के सारे रंग जो है देखने को मिलेंगे। और दूसरा सर मैं भूल गया था, आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए वो रो रहे हैं, जबकि वो लोग आपको एज ए कपिल शर्मा नहीं जानते हैं जी। और लेकिन फिर भी वो आपके परफॉर्मेंस से, आपके टीम के परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर है। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को स्पेसिफिकली क्रिटिकली अक्लेम मिलना? सर मुझे लगता है कि मुझे शायद अप्रिसिएशन नहीं मिले, लेकिन इस किरदार को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अगर आप उस किरदार को देख रहे हैं, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है मानस को, आई थिंक वो कहीं ना कहीं यू नो मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार मैं उस किरदार को सही से निभा पाया। तो बाकी लोग प्यार तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसको देख के मैं खुद जब मैंने अभी ट्रेलर देखा, तो मैंने पहला ट्रेलर जो आया वही देखा था और बड़ी स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार देखा है, तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैसेज थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन क्यों बनाए कि बहुत सारे ऐसे जो आम लोग जिसको हम कहते हैं, जो नेमलेस फेसलेस हो गए, जो दिखाई भी नहीं देते, उनकी कहानियां नहीं दिखाई देती है पर्दे पे, उनको हम कैसे वापस पर्दे पे लाएं, उनकी कहानियां कैसे देखें, इसका अगर आप एक फिल्म का मेन मकसद अगर आप सोचेंगे तो ये हम सबके लिए शायद मैं इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ कि ये है कि हम उनको विजिबल करना चाह रहे हैं दैट लेट्स पुट देयर स्टोरी बैक वेयर इट शुड बी। और एक आई थिंक जनरली एक हमदर्दी, आई थिंक हमदर्दी एक चीज है जो हमने कोविड के थ्रू भी देखा है। आपका पसंद नहीं जो दादा आपने मेरे लिए आपने मेरे लिए याद है जो शूट शूट कोई नहीं, वो अभी बहुत सारे इवेंट करेंगे अपने में बताऊंगा आपको, ऐसा ऐसे कुछ याद नहीं है। अरे आपको समझ में आ रहा है आप पंजाबी हो, मैं पंजाबी सॉन्ग गया, बाकी को कैसे पता चलेगा? मैं आप सबके लिए गाता हूँ कि आज कल लगा था एक प्यार का पहला था, थोड़े थोड़े कमला भी लोग आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो, पूरा गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। ऐसे याद आ गया, शुक्रिया। और इस फिल्म के को अच्छे से प्रमोट करिएगा, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी कहानियां जो ऐसी बननी चाहिए, तो मैंने भी दिल से इस फिल्म में काम किया, हम सब ने दिल से इस फिल्म बनाई, तो आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।